सो हेलो अगेन एंड वेलकम गाइज टू माई न्यू एपिसोड। तो गाइज यहाँ पे देखो प्रो डेपर का एक मैंने शू प्रोटेक्टर ऑर्डर किया हुआ है, तो इसे मैं लगाने जा रहा हूँ बिकॉज नया ना जूता लिया खराब करने मन नहीं है। सो इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं देख लेता हूँ। आई गेस इसको इस तरीके से डाला जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जाता है मैं इसे कहीं मैकेनिक पे जाके लगा देता हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स दिस इज अ डी टाउन बेबी, डी टाउन। तो डी टाउन में होता है असली धमाल और डी टाउन में पीते हैं दारू के केस। डी टाउन का बंदा दारू पीता केस केस, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट एंड हियर आई एम। फिलहाल तो गाइस मैंने प्रॉब्लम आप लोगों को बता दिया हुआ है व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो मैं चेंज करने जा रहा हूँ अपना रियर व्हील का टायर विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरे को थोड़ा लॉन्ग राइड करना है तो अभी से टायर का चेंज कर दूंगा। तो यार आप लोगों को एक एक्सीडेंट दिखाता हूँ यहाँ पे देखो। तो कल ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे देखो, पूरा माल घर गिर गया ये भाई ईटा वाला। सो दिस एक्सीडेंट वाज क्वाइट ब्रूटल, शायद ड्राइवर का कुछ कंट्रोल नहीं रहा, तो लकीली किसी का इंजरी नहीं हुआ शायद, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो इस तरीके का रास्ते में ना ये सब चीज़ होते रहता है, इसलिए ड्राइवर लोगों को वही बोलता हूँ जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह चला के जाते हैं, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज 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 राइड केयरफुली। मेरे को क्यों लग रहा है जब से मैंने एग्जॉस्ट चेंज किया हुआ है, मैंने जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट निकाल कर जब से मैंने स्टॉक एग्जॉस्ट लगाया है, पिकअप में थोड़ा बढ़ोतरी मेरे को लग रहा है। वंस आई विल डू सर्विसिंग मेरे को पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा सर्विसिंग करने के बाद। तो फिलहाल तो मुझे यहाँ रहना है, काफी गंदा हो चुका है। टायर दिखाओ ना, मेरे को टायर चेंज करना बहुत जरूरी है बिकॉज मैं लॉन्ग राइड पे निकलने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद, इसीलिए तो इस टायर को मेंटेनेंस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, काफ़ी पंचर बनाया है तो फ़ायदा नहीं है, तो बस चेंज कर देता हूँ मैं। कभी कभी करना चाहिए इस तरीके का चीज़ जो मैं करता हूँ हर वक्त। सो गाइस फाइनली आई हैव सेलेक्टेड दिस टायर, तो ये टायर मैं लगाऊंगा बिकॉज लास्ट टाइम जो टायर लगाया था उस पर मेरा का बेंडिंग मारने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। सो गाइस दिस विल बी द लास्ट ऑप्शन, तो इसे लगाते हैं। तो बॉयस मैंने बर्न आउट कर दिया हुआ है, तो इसे टाटा और गुड बाय कहेंगे। तो यहाँ पे देखो जो इसका स्लीक है वो काफ़ी उड़ चुका है और काफ़ी गर्म हो चुका है। ओ माई गॉड हाउ हॉट इट इज़। सो नया टायर डलवाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस सन का रिफ्लेक्शन कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पे टायर शॉप में मैं खड़ा हूँ, तो चाचा टायर पुराने वाला टायर खोल दिया यहाँ पे फेंक दिया। तो काफ़ी लॉन्ग राइड का प्लान है, तो वो लॉन्ग राइड को करने के लिए मेरे को टायर ज़रूरी था, तो रियर व्हील का टायर पहले एक्सपोज हो चुका था, दिस इज़ माई थर्ड टाइम। तो फटाफट इसको कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद मैं भी राइड पर निकलूँगा। Yeah, you better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start laughing way. I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. तो 4,000 मैंने पेमेंट कर दिया हुआ है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट गाइस, काफ़ी मोटा खर्चा हो रहा है। तो फाइनली गाइस टायर लग के कम्प्लीट हो चुका है, सो हियर इज़ अ टायर। सो अब आ रहा है ना गाइस वाइब वाला फीलिंग, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो जो पीछे का टायर था उसको लगाना बहुत ज़रूरी था, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो चुका है, जो चलते हैं फटाफट राइट कौन कंटिन्यू करेंगे। ओ मैन अब लग रहा है गाइस, काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था कि मेरे को लीन करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था, अब तो लीन का कोई दिक्कत नहीं है एंड आई एम फीलिंग द वाइब एंड आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो कौन कौन मेरा वीडियो देखता है प्लीज़ कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर कमेंट करना। कमेंट तो बहुत मैंडेटरी है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता है क्या चीज़ को मैं सुधारूँ क्या चीज़ को ना सुधारूँ, उसके लिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए।